फिर कैसे कैसे ये निवाले मेरे हलक में उतर सकते हैं? इस अनाज पे सबसे पहला हक उगाने वाले का ही है। उसे उगाता कौन है बापूजी? किसान बेटा, किसान उगाते हैं। ये किसान कौन होते हैं बापूजी? जादूगर होते हैं। ये अपना पसीना मिट्टी में बहाते हैं और मिट्टी अनाज बन के उगती है। वो पसीना क्यों बहाते हैं? इनका पसीना धरती के रगों में दौड़ता है और वो हमारे जिस्म में खून बनकर। ऐसे जादूगरों को तो अनाज मिलना ही चाहिए। हाँ बेटा, गुरु साहब ने लंगर का दस्तूर इसीलिए शुरू किया था ताकि गुरु घर में आकर कोई भी आदम का जाया भूखा ना रहे। तो फिर ये किसान भूखे क्यों हैं? यही बात तो मुझे अंदर से कचोट रही है पुत्र, कि खालसा सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है जबकि सारे जिम्मा मेरे ऊपर है। तो आप भी किसानों के लिए एक बड़ा सा लंगर लगा दो, है ना माँ? तो सब ठीक हो जाएगा। वाहेगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है। जिंदा रहे पुत्र, वाहेगुरु की मेहर है तुझ पे, सच्चे सिख की रूह है तुझ में, खालसा रूह। सुनो सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो, खालसा सरकार का ऐलान सुनो। अब कौन सा नया फरमान आ गया? सूखे की इस भयानक मार को देखते हुए इलाके की बदहाली और किसानों की मजबूरी को ध्यान में रखकर खालसा सरकार की ओर से ये ऐलान किया जाता है कि इस साल किसी किसान से कोई लगान वसूल नहीं किया जाएगा, पूरा का पूरा लगान माफ किया जाता है। शुक्र है हमारी किसी ने सूद तो ली, अब हमारे पास बचा ही क्या है देने को। सुनो सुनो सुनो, खालसा सरकार की ओर से ये ऐलान किया जाता है, संकट की इस घड़ी में जब कुदरत हमारा इम्तिहान ले रही है, रियाया अकेली नहीं है, खालसा सरकार उनके अंग संग है। आज से सरकारी लंगर खाने के दरवाजे आम जनता के लिए खोले जाते हैं, जरूरतमंद इंसान को उसकी जरूरत के मुताबिक अनाज सरकार की तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। कतार में आओ सब कतार में, सरकार ने हर परिवार को एक बोरी अनाज देने की मंजूरी दी है। चलो सब कतार में आओ। सत्री अकाल सिंह साहब। सत्री अकाल। कहिए शाह जी। मुझे पता चला कि सरकार बुर्ज पर अकेले हैं, तो सोचा कि कुछ घड़ी संगत हो जाए। यह अकाल का कोहराम हमें अकेले भी तो रहने नहीं देता है शाह जी, सोते जागते हर वक्त हमारे साथ रहता है, एक बोझ बनकर। सरकार के फौरी ऐलान के बाद जनता ने एक बार तो राहत की सांस ली, लोग दुआएं दे रहे हैं। कल तक जिन बस्तियों में मातम छाया हुआ था, वहां आज मैं उम्मीद की एक नई किरण देखकर आया हूं, लोगों में एक नई जान आ गई है। तुसी तो जानते हो शाह जी, ये तो बस एक तिनके का सहारा है और तिनके के सहारे दरिया नहीं पार किए जा सकते। बात तो दुरुस्त है सिंह साहब, लंबे अरसे के मद्देनजर हमें कोई ठोस कदम तो रखना ही होगा। सबसे पहले हमें इन साहूकारों पर लगाम कसनी होगी। आप फौरन पूरी रियासत में यह ऐलान करवा दो कि कोई भी साहूकार किसी भी काश्तकार से रकम वसूल करने के लिए
उसके हल और बैल गिरवी नहीं रखेगा। ये किसान के हाथ पांव हैं, जैसे जिस्म से हाथ पांव अलग नहीं किए जा सकते, और जो भी इस फरमान को नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंह साहब, शुरुआत के लिए तो ये बहुत ठोस कदम है, लेकिन ये नाकाफी है। कुछ गलतियां तो सरकार के तौर तरीकों में भी हैं। हम आपका इशारा समझ रहे हैं शाहजी, आप ठीक कहते हो। पहले हमने भी सबको एक ही लकड़ी से हाका, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो लोग काम नहीं करते, दूसरों की मेहनत पर बैठकर खाते हैं, उनसे ज्यादा लगान वसूल किया जाएगा, और जो किसान मेहनत करता है, धूप में पसीना बहाता है, उससे लगान वसूल कम किया जाएगा, और उसका हम उत्साह बढ़ाएंगे कि अपनी पड़ी, अपने पास पड़ी बंजर भूमि को अपनी मशक्कत से आबाद